हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इस्तेमाल में। दोस्तों ये रियलमी का फ़ोन है, आपका रियलमी का कोई भी फ़ोन हो दोस्तों आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है। यदि आपका टच मतलब एक काम करना बंद कर दिया है तो आप उसको कैसे रिबूट करोगे, कैसे रीसेट करोगे ताकि आपका टच प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पावर बटन को थोड़ा देर प्रेस करके रखोगे, उसके बाद ये जो स्विच ऑफ का ऑप्शन आएगा इसे नीचे करने पर नीचे नहीं हो रहा है, हमारा टच नहीं काम कर रहा है, हमारा टच हैंग हो गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि आप अपने फ़ोन को कैसे रीसेट करेंगे दोस्तों, रिबूट करोगे। तो इसके लिए पावर बटन को आपको थोड़ा टाइम तक प्रेस करके रखना है, इसके बाद देखेंगे कि मतलब हमारा फ़ोन रिबूट होता है या नहीं होता है। तो चलिए, हमारा फ़ोन नहीं रिबूट हो रहा है पावर बटन प्रेस करने के बाद। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन, तो दोनों बटन को लगभग 10 से 15 सेकंड या मतलब 5 से 10 सेकंड तक दोनों बटन को प्रेस करके रखेंगे। तो चलिए थोड़ा टाइम तक इन दोनों बटन को प्रेस करके रखते हैं, उसके बाद हमारा फ़ोन जो है रिबूट होगा, रीस्टार्ट होगा दोस्तों। तो यदि आपके मोबाइल में मतलब एकाएक आपका टच काम करना बंद कर दिया है तो आप जो है इस ट्रिक को जरूर इस्तेमाल कीजिए। आपका रियलमी का कोई भी फ़ोन हो, आपको वॉल्यूम प्लस बटन और जो है पावर बटन दोनों बटन को लगभग 5 से 10 सेकंड तक प्रेस करके रखना है, उसके बाद आपका फ़ोन जो है रिबूट होगा, रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद आपका प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगा, यदि मतलब आपका मोबाइल हैंग हो गया है तो हैंग होने से आपका टच नहीं काम कर रहा है। तो आप इस ट्रिक को जरूर एक बार अपने मोबाइल पर इस्तेमाल कीजिए दोस्तों, और जो है वॉल्यूम अप बटन और जो है पावर बटन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके थोड़ा टाइम तक रखेंगे, आपको का फ़ोन रिबूट होगा। रिबूट होने के बाद आपका जो है टच काम करना शुरू कर देगा दोस्तों, यदि आपके मोबाइल का टच ख़राब नहीं हुआ है तो, आपका मोबाइल हैंग हो गया है तो। तो चलिए, हमारा फ़ोन ऑन हो गया है, उसके बाद हम इसे आपको चेक करके दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए, अब हमारा ये पूरी तरीके से टच काम करने लगा दोस्तों। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।